गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग भाई, बताओ फटाफट, आवाज आ रही है मेरी? सब कुछ क्लियर है? नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है समाज सुधार आंदोलन। समाज सुधार आंदोलन पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगी टॉपिक खत्म होने के बाद, इससे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। बेसिकली जो समाज सुधार आंदोलन है, इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक में हम देखेंगे कि आखिर समाज सुधार आंदोलन का मतलब क्या है, कौन कौन से कारण थे, ठीक है, क्या क्या इसका प्रभाव हुआ। और फिर जब इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम अलग अलग जो विद्वान हुए हैं, जैसे राजा राम मोहन राय से लेके दयानंद सरस्वती से लेके विवेकानंद जी तक, जितने भी, या आप देखोगे देवबंद मूवमेंट से लेके और क्या नाम था इनका, सर सैयद अहमद खान, मतलब जितने भी मूवमेंट हुए हैं, जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। हमारा ये पैटर्न रहेगा बेसिकली। तो इसमें 3-4 दिन जाने वाले हैं आप लोगों के, काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है। और जब ये दोनों चीजें निपट जाएंगी उसके बाद एमसीक्यू कर लेंगे, उसके बाद सिंगल क्वेश्चन समाज सुधार आंदोलन से बाहर नहीं मिलेगा देखने के लिए, ठीक है? इतना आप लोगों को यकीन करके चलना पड़ेगा। एमसीक्यू के माध्यम से जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ, हमने जो पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं। तो दोस्तों फटाफट एक बार क्लियर, अच्छा जी मैम बोल रहे हो तो इसका मतलब क्लियर है ना। तो स्वागत है आप सबका ललिता दहिया अकेडमी पे। स्पेक्ट्रम हम पढ़ रहे हैं, फटाफट जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी। मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे ही सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब आपको यहीं पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी और मेरे इंस्टाग्राम ललिता दहिया अकेडमी से भी जुड़ सकते हैं। फटाफट अपने फोन में, एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए ललिता दहिया अकेडमी ऐप को और साइन अप कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उसे साइन अप कर लीजिए। यहाँ पे दो कोर्स बेसिकली बहुत ही शानदार तरीके से चल रहे हैं, पॉलिटी विद करंट अफेयर्स फॉर आईएएस मेंस। 23, 24, 25 तक के बच्चों को मात्र 2100 रुपए में ये कोर्स आपको अवेलेबल है। बहुत ही शानदार तरीके से इसमें आंसर राइटिंग के साथ, करंट अफेयर्स के साथ आप लोगों को कंप्लीट पॉलिटी वाला सेक्शन कवर कराया जा रहा है। इसी के साथ आप जुड़ सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस विद करंट अफेयर्स फॉर आईएएस मेंस, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपको पढ़ना है बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से, करंट के साथ हेड ऑन करके विद आंसर राइटिंग, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे इस बैच में। मात्र 1625 रुपए में आईआर का ये बैच अवेलेबल है। इसी के साथ आप हिस्ट्री ऑप्शन यदि आपका है तो फटाफट रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे उतनी जल्दी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 8000 रुपए कंप्लीट हिस्ट्री ऑप्शनल, मतलब चारों पेपर, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न वर्ल्ड, चारों पेपर का कंप्लीट फी आपका 8000 है, ठीक है? तो ललिता दहिया अकेडमी ऐप अभी डाउनलोड करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दो फटाफट सेशन को, क्लास के बाद कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि नए हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, ठीक है? तो दोस्तों बात करते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, मतलब आंदोलन यानी कुछ तो ऐसी विशेषताएं होंगी हमारे समाज की 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या पूर्वार्ध में, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, कि आंदोलन की जरूरत पड़ी। तो यदि आप एक राउंड नजर दौड़ाएं उस समय के समाज पे, तो आपको बहुत सारी कुरूतियां दिखेंगी। धर्म में आडंबरवाद दिखेगा, बहुदेववाद दिखेगा, बहुत सारी कुरूतियां दिखेंगी समाज में, जहां पे आपको जाति व्यवस्था दिखेगी। और जाति व्यवस्था के साथ ही अस्पृश्यता की अवधारणा भी बड़े स्तर पे आपको देखने को मिलेगी। और यदि आप समाज में ही महिलाओं की दशा की बात करेंगे, तो महिलाओं के साथ तो जन्म से पहले से ही विभेद होना शुरू हो गया, जन्म होते ही विभेद शुरू हो गया। जैसे ही बच्ची का जन्म हुआ तो बहुत सारे एरियाज में, विशेष तौर पर राजपूत और बंगाल में, ठीक है, इसको अब ये नहीं बोलना है मैं ऐसे कैसे बोल रही हूं, अब था तो था भाई, कन्या का जन्म होते ही वध कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। यदि बच गई कोई कन्या, मान लो दूसरे एरिया को मिला के आप समस्या देखोगे तो कन्या वध की समस्या दिखी आपको, यदि बच गई
तो बाल विवाह की समस्या दिखी, बचपन में ही शादी कर दी उसकी, ठीक है। उसके बाद आप यदि किसी वश पति की मृत्यु हो गई तो विधवा का जो जीवन है, मतलब पिता की मृत्यु हो गई तो पहली बात तो सती प्रथा आपको देखने को मिलेगी कि भाई पति की मृत्यु शैया के साथ ही इनको भी जल जाना होता, मतलब सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथाएं थी। और यदि कोई स्त्री सती प्रथा से बचती तो फिर क्या होता, विधवा के तौर पे ऐसा जीवन जो नरक से भी बदतर था, ठीक है। तो बहुत सारी कुरूतियां आपको, बहु पत्नी विवाह आपको दिखेगा, एक एक पुरुष मुस्लिम समाज के साथ साथ हिंदू समाज में भी एक एक पुरुष कई कई शादियां करता था। तो इससे स्त्रियों के जीवन को, यदि हम उस समय के स्त्रियों के जीवन को देखें तो अंधकार युग बोला जा सकता है स्त्रियों के जीवन के लिए, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, अंधकार में जीवन बोला जा सकता है स्त्रियों के जीवन के लिए। तो इस तरीके की अवधारणाएं आपको समाज के, संस्कृति के, धर्म के हर एक एरिया में देखने को मिलेंगी। तो जब समस्याएं इतनी बढ़ी, अब समस्याएं तो पहले भी थे, अब आप कहोगे कि मैम एक बार थोड़ा सा समझ लो, फिर पढ़ेंगे तो हम अच्छे से ही। अब आप कहोगे कि मैम समस्याएं तो पहले भी थी तो अभी क्यों हुआ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। भारत में अंग्रेजों का शासन था और इंग्लैंड के अंदर पुनर्जागरण प्रबोधन जैसी जो विचारधाराएं हैं अब काफी चरम तक आ चुकी थी। यानी मतलब क्या, पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है कि फिर से जागो, यानी आप इससे बेहतर तो अतीत में ही थे। यानी जब पुस्तकों का सहारा लेके आपको तर्क के आधार पे सोचना सिखाया जाता है, जैसे आप यदि दयानंद सरस्वती का एग्जाम्पल लेते हो तो उन्होंने वेदों का हवाला लेते हुए कई तरीके के समाज सुधार की वकालत की, और पुनर्जागरण पहली अवस्था होती है और प्रबोधन दूसरी अवस्था होती है जहां पे हमें तर्क की बात करनी होती है और तर्क के लिए किताबों का भी सहारा नहीं लेना पड़ता, निडरता के साथ तर्क के आधार पर बात करते हैं कि जाति प्रथा गलत है तो गलत है, धर्म के आधार पर विभेद गलत है तो गलत है, महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय गलत है तो गलत है, तर्क के आधार पर हम कहेंगे और इसके लिए हमें किसी भी प्रकार के सहारे की जरूरत नहीं होगी। मेरी बात समझे, तो अंग्रेजों का भी बहुत बड़ा प्रभाव था और ऊपर से भारतीयों की जो शिक्षा, भारतीय मध्यम वर्ग को यदि आप देखोगे तो पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग भी जागृत हुआ, पढ़े लिखे मध्यम वर्ग ने भी तर्क के आधार पर सोचना शुरू किया और यहां से शुरू होती है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की अवधारणा, ठीक है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे, मैं मुझे बस एक थोड़ी सी पिक्चर बनानी थी आपके दिमाग में कि इस तरीके की घटनाएं हो रही थी तो क्या हुआ, फिर कैसे समाज सुधार आंदोलन आया। तो ध्यान रखना 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीन बौद्धिक लहर चली जिसके फलस्वरूप जागृति के नए युग का सूत्रपात हुआ। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ यूरोप की। यूरोप में आप देखोगे तो सर्वप्रथम पुनर्जागरण और उसके बाद प्रबोधन जैसी विचारधाराओं के चलते तर्क को, कथन कारण को प्रबलता मिल गई कि आप यदि कोई कथन बोल रहे हो तो उसका कोई ना कोई तो कारण होगा और वो कारण लॉजिकल होना चाहिए, धार्मिक नहीं होना चाहिए, है ना। तो यूरोप में इस तरीके की प्रवृत्तियां 18वीं शताब्दी में ही आपको बिल्कुल पीक पे दिखेंगी। तर्कवाद व अन्वेषणा की भावना ने यूरोपीय समाज को प्रगति प्रदान की। भारत का एक नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग भी तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानववाद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। यानी यूरोप की जो ये विचारधाराएं थी जिसमें हम पुनर्जागरण प्रबोधन जैसी विचारधाराओं की बात करते हैं, यानी जिसमें तर्कवाद की बात है, विज्ञानवाद की बात है, मानवतावाद की बात है, कथन कारण की बात है, भारतीय शिक्षित मध्यम वर्ग ने जब शिक्षा ग्रहण की, बहुत सारे जब विदेशों में पढ़े या फिर विदेशी जब शिक्षा ग्रहण की तो इन लोगों के अंदर भी ये विचार पनपे कि वो तर्क के आधार पे सोचे, मानवतावाद के आधार पे सोचे, विज्ञानवाद के आधार पे सोचे, ठीक है। तो सुधार की भावना को बल देने वाले कारक थे। इन पाश्चात्य शिक्षित भारतीयों ने इस नवज्ञान से प्रभावित होकर सामाजिक और धार्मिक सुधार कार्य आरंभ किया। भारत में कौन आरंभ करेगा सामाजिक धार्मिक सुधार, भाई जिसके पास ये ज्ञान है, जो समझ गया
ये जो हो रहा है वो सब बकवास चल रही है, हमको सुधार करना पड़ेगा। सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में करेगा क्यों, कौन, जिसके पास ये विचार होंगे। विचार किसके पास? तो पाश्चात्य शिक्षित भारतीयों, यानी जो शिक्षित भारतीय थे, उनके अंदर ये विचार पनपे और उन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार की भावना को बल दिया। तर्कवाद में नव चेतना के इस आधार पर परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसे पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई। पुनर्जागरण की प्रक्रिया में क्या होता है? पुरानी मान्यताओं और विश्वासों पर प्रहार किए गए तथा विभिन्न कुरीतियों का परित्याग करके नई मान्यताओं को अपनाने पर बल दिया गया। जितनी भी समाज की कुरीतियां थी उनके ऊपर प्रहार किया गया, तर्क को प्रबलता दी गई और उसी के आधार पे सामाजिक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई। तो आपने, अभी मैं रीजंस बताऊंगी एक एक करके, आपने एक पृष्ठभूमि समझ में आई आपको, गर्म पानी, पृष्ठभूमि आपको समझ में आई कि किस तरीके से यूरोप की जो विचारधाराएं थी उनका प्रभाव भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग पे पड़ा, और भारतीय जो शिक्षित भारतीय थे इन्होंने, पाश्चात्य जो शिक्षित भारतीय थे इन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को बल दिया, और कहीं ना कहीं जो पुरानी मान्यताएं थी उनके स्थान पे नई मान्यताओं को अपनाने की बात। बिल्कुल क्लियर? ठीक है, बिल्कुल सही बात है रंजेश। वो मैं बोल रही हूँ 18वीं सदी तक आते आते, पुनर्जागरण तो 15वीं 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी के आसपास से ही दिखने लग जाएगा आपको, लेकिन उसकी एक प्रोसेस। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही इंग्लैंड में पुनर्जागरण आया उसका प्रभाव सीधा भारत पे पड़ गया। पहले उस पुनर्जागरण का प्रभाव किसी भी विचारधारा का, जब कोई भी नई विचारधाराएं होती है तो धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है। पहले उसका यूरोप पे प्रभाव पड़ा, फिर पुनर्जागरण की जगह प्रबोधन आया। जब यूरोप सशक्त हो गया सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, है ना, नई अवधारणाएं आ गई, तो उसका प्रभाव फिर भारत पे पड़ेगा ना। मैं यहाँ पे भारत की बात कर रही हूं, मैं यूरोप की बात नहीं कर रही, यूरोप की बात कर रही हूं कि 18वीं सदी तक आते आते यूरोप में पुनर्जागरण और प्रबोधन जैसी जो विचार थे, जो विचारधाराएं थी, वो बहुत प्रबल हो चुकी थी। मैं ये बोल रही हूँ, पुनर्जागरण प्रबोधन टॉपिक है हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे जीएस पेपर वन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे मैं वहां पे गई ही नहीं, क्योंकि वहां पे जाने का मतलब होता है 1 घंटा एक्स्ट्रा लगना। ठीक है, होप आप समझ गए हो। ठीक है, अब बात करते हैं सुधार की भावनाओं को बल देने के कारण क्या थे। भाई क्या कारण थे कि ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए? तो पहला ही कारण है ब्रिटिश शासन का प्रभाव। सबसे पहला कारण है ब्रिटिश शासन का प्रभाव। ब्रिटिश शासन के तले भारतीय समाज और संस्कृति में व्यापक परिवर्तन आया तथा वह अपनी परंपरागत छवि से दूर हो गया। भारत की यदि बात करेंगे तो भारत में कई तरीके के सामाजिक धार्मिक सुधार देखने को मिलते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान। ये ब्रिटिश शासन ही क्यों, अंग्रेजों से पहले तो बहुत सारी शक्तियां भारत में आई, उन्होंने क्यों नहीं सामाजिक सुधार आंदोलन किया? तो उसके पीछे के अपने अपने रीजन है। एक तो पुनर्जागरण और प्रबोधन जैसी विचारधाराएं प्रबल तौर पे यूरोप में विद्यमान थी, और दूसरा जो अंग्रेजों से पूर्व जितने भी आक्रमणकारी भारत आए वो भारतीय समाज और संस्कृति में कोई दूरगामी प्रभाव नहीं डाल सके, या फिर सभ्यता या संस्कृति में समाहित, मतलब कोई प्रभाव नहीं डाल सके और भारतीय संस्कृति में ही समाहित हो गए, मतलब वो भी घुल मिल गए भारतीय सभ्यता और संस्कृति में ही। किंतु अंग्रेजों के आगमन का आगमन भारत में ऐसे समय हुआ जब यूरोप में आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति की बयार बह रही थी, जब वहां पे आधुनिकता थी शिक्षा के स्तर पे, सामाजिक मुद्दों पे, धार्मिक मुद्दों पे, ठीक है, एवं मानवतावाद। ये वर्ड्स याद रखना, मानवतावाद हो गया, तर्कवाद हो गया, विज्ञान के आधार पे हम सोचेंगे, वैज्ञानिक अन्वेषण अपनी महत्ता स्थापित करते जा रहे थे। तो यूरोप में इस तरीके की विचारधाराओं का प्रभाव था, और इस तरीके की विचारधाराओं ने भारत के समाज, भारत की संस्कृति, भारत के धर्म इत्यादि में जो भी दुर्बलताएं थी उनको, उनमें सुधार करने का काम किया बड़े स्तर पे। कुछ तो योगदान अंग्रेजों का भी है जो पॉजिटिव हम बोल सकते हैं, जैसे सती प्रथा जैसी प्रथाओं पे रोक लगाना, या विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देना, दास प्रथा खत्म करने के लिए एक्ट लेके आना, नरबलि प्रथाएं होती थी कई जगह पे, तो
तो इस तरीके के कानून लेके आना, यानी पहला कारण आप समझ में आया कि समाज सुधार आंदोलन का पहला कारण था ब्रिटिश शासन का प्रभाव। और ब्रिटिश शासन का प्रभाव का मतलब ही क्या है कि ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन में जो आधुनिकता की बयार थी, उस आधुनिकता की बयार को भारत में भी समाहित कर, ठीक है। दूसरा, ये जो सती प्रथा, बेंटिंग वगैरह, ये जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, जिसमें मैं डिटेल से बताऊंगी राजा राम मोहन राय का विशाल तरीके से क्या योगदान है, दयानंद जी का क्या योगदान है, विवेकानंद जी का क्या योगदान है, तो उस समय मैं आप लोगों को, यहाँ तो बस मैं एक आप लोगों को ना ओवरव्यू दे रही हूँ, है ना, कि ऐसे ऐसे चल रहा था। पहला कारण ब्रिटिश शासन का प्रभाव है, दूसरा कारण है सामाजिक दशाओं एवं रूढ़िवादिता के कारण सुधार। सामाजिक दशाओं रूढ़िवादिता के कारण सुधार का क्या मतलब है भाई? पहली बात तो यदि हम धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के स्तर पे देखें तो 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज धार्मिक अंधविश्वासों, बड़े स्तर पे धार्मिक अंधविश्वास था, आपको बहुदेववाद मिल जाएगा, आपको एक तरीके से धार्मिक आडंबर बड़े स्तर पे मिल जाएंगे, आडंबरवाद मिल जाएगा, तो धार्मिक अंधविश्वास थे और धार्मिक अंधविश्वासों के साथ ही सामाजिक कुरीतियों में समाज जकड़ा हुआ था। हिंदू समाज की भी यदि बात करें तो बुराइयां, बर्बरता, अंधविश्वासों से ओतप्रोत था, पुरोहित समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए थे तथा जन सामान्य पर विभिन्न कर्म कांडों तथा निरर्थक धार्मिक कृत्यों की सहायता से वर्चस्व स्थापित किए हुए थे। यदि एक बात बताओ, यदि ऑलरेडी धर्म सुलझा हुआ होता, आडंबर, कर्म कांड, अंधविश्वास, इन सब की स्थिति नहीं होती तो सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। यानी धर्म में बहुत सारी बुराइयां थी, जिसमें आपको मेनली तीन पिलर याद रखने हैं, कर्म कांड, अंधविश्वास और साथ ही क्या कहते हैं इसको, पुरोहितवाद, ठीक है। तो इन बुराइयों के चलते धार्मिक सुधार होने स्वाभाविक सी बात थी। यदि हम सामाजिक स्थिति देखें तो और उसमें महिलाओं की दयनीय स्थिति देखें तो इसको ना एक चार्ट के माध्यम से समझो, जन्म हुआ, जन्म के स्तर पे क्या विभेद है, है ना, मान लो जन्म हुआ तो कन्यावध है, बच गई तो बाल विवाह है, बाल विवाह हो गया, पति मर गया तो फिर क्या है, विधवा, सती प्रथा है, सती प्रथा में भी बच गई तो फिर विधवाओं का जीवन बहुत एक तरीके से नरक के समान है। तो आप महिलाओं की ओवरऑल स्थिति को देखोगे तो ये अंधकार युग बोला जा सकता है महिलाओं के जीवन के लिए। ऐसा आप जब दयानंद सरस्वती, ये हाँ दयानंद सरस्वती जी की बात करेंगे तो उन्होंने वेदों का सहारा लिया कि ये देखिए भाई, वेदों में तो महिलाओं की बढ़िया स्थिति थी, वेदों में तो विधवा पुनर्विवाह भी होता था। वेदों की बात करें तो महिलाएं राजनीति में, समाज में बेहतर स्थिति में थी। तो आप, यही है पुनर्जागरण, कि आपने एक पुस्तक को आधार मान के लोगों को ये बताया कि हमारा अतीत ऐसा नहीं था, आप सोए हुए हैं, मतलब पुनर्जागरण मतलब फिर से जागिए, है ना। तो ये पहला आधार होता है किसी भी समाज को जगाने का। तो यदि महिलाओं की दयनीय स्थिति की बात करें तो वही आ जाएगी कि भाई समाज में यदि सबसे निम्न स्थिति किसी की थी तो वो किसकी थी, स्त्रियों की थी। लड़की के जन्म को ही अपशकुन मान लिया जाता था, उसका विवाह बोझ और वैवध्य श्राप समझा जाता था, वैवध्य मतलब विडोहुड, यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में जन्म के पश्चात ही बालिकाओं की हत्या कर दी जाती थी, पहली बात, बाल हत्या, है ना, और बाल विवाह समाज की एक अन्य क्या बोलेंगे यार इसको, कुरीति थी, ठीक है, यानी कन्यावध, बाल विवाह, साथ ही बहु विवाह की प्रथा समाज में, आपको हिंदू समाज में भी देखने को बड़े स्तर पे मिलेगी। बंगाल में कुलीनवाद के अंतर्गत यहाँ तक कि वृद्ध व्यक्ति भी बेहद कम उम्र की लड़की से विवाह करता था। तो आपको क्या दिख रहा है, महिलाओं का शोषण दिख रहा है ना, हर स्तर पे जन्म से ही शुरू हो गया शोषण, ठीक है। तो इसमें आपको हर एक पॉइंट इंक्लूड करना पड़ेगा कि भाई बाल वध है, उसके बाद बाल विवाह है, बहु विवाह है, यदि किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो उसे बलपूर्वक, पहली बात तो उसके दिमाग में ये भर दिया जाता था कि आप तभी पवित्र मानी जाओगी, तभी महान मानी जाओगी जब आप पति की चिता के साथ खुद को भस्म कर दो। अब कई स्त्रियां प्रेरित होके जल जाती थी, अब कई स्त्रियां
वो मजबूर कर दिया जाता था जबरदस्ती, यानी बलपूर्वक पति और जलना, यार ठीक है एक प्रेरणा तो ठीक है, लेकिन अब जीते जी जब कोई आग पे बैठेगा तो वो तड़पड़ाएगा, और जैसे ही वो बाहर निकली उसे फिर जबरदस्ती बिठा दिया जाता था पति की चिता के साथ। आप सोच रहे हो किस स्तर का सोसाइटी थी उस समय पे। तो बलपूर्वक पति की चिता के साथ जलने के लिए बाध्य कर दिया जाता था, इसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। सती प्रथा समझ में आया क्या है? अपने अपनी उंगली को अब करने मत लग जाना, लेकिन मोमबत्ती या फिर आग में एक सेकंड के लिए ऐसे करके देखोगे ना, मत करना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और जीते जी अग्नि में बैठ जाना, ये कितना घोर अन्याय और कितना घोर, मतलब क्या शब्द ही नहीं है महिलाओं के लिए। और याद रखना, सोसाइटी में जब भी सुधार होते हैं ना, तो एक विरोध की प्रवृत्ति जरूर होती है। जब सती प्रथा का अंत किया गया तो समाज के कुछ मुट्ठी भर लोगों को ये लगा कि ये तो हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, हम धर्म के नाम पे कुछ भी करें, मतलब मेरी बात समझे आप। तो इसलिए जब भी समाज में कुछ नई चीज होती है तो उसका विरोध होना स्वाभाविक सी बात होती है, ठीक है। तो आपने सती प्रथा देखा, सौभाग्यवश यदि कोई स्त्री इस क्रूर प्रथा से बच जाती थी, सौभाग्यवश मान लो यदि बच गई वो सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथा से, तो उसे अपना शेष जीवन, यदि वो विधवा हुई है और सती प्रथा से बच गई, तो उसे अपना शेष जीवन अपमान, तिरस्कार, उत्पीड़न, दुख बिताने पर बाध्य होना पड़ता था, ठीक है। तो यानी सुधार होने क्यों जरूरी थे? सामाजिक दशाएं और रूढ़िवादी व्यवस्था के कारण सुधार हुए, और इसमें हमने धार्मिक कारण देखे, भाई धर्म में क्या क्या कुरूतियां थी, हमने महिलाओं की स्थिति देख ली डिटेल से कि महिलाओं की स्थिति में हमने 6-7 एंगल को डिस्कस किया। उसके बाद अगली सामाजिक दिशा थी जातिगत भेदभाव। ये जो महिलाओं की समस्या से संबंधित ये मूवी है ना, कि यदि सती प्रथा से बच गई तो विधवाओं का जीवन कैसा होता था बचपन में, हालांकि मैं अपने बचपन की बात कर रही हूँ, मैं तो बुढ़ी हो चुकी हूँ, है ना। आप लोगों ने यदि कोई एक मूवी है बहुत उसका नाम मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, एक मूवी नहीं है ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, है सुनी है, क्या नाम है, ऋषि कपूर, और बहुत अच्छी मूवी है, बहुत इमोशनल मूवी है। तो उस मूवी में विधवा की सिचुएशन कैसी होती थी उसको थोड़ा अच्छे से पिक्चराइजेशन किया गया है ना। तो उस समय दिखेगा कि बाल नहीं रख सकती है, सफेद वस्त्र ही पहनने पड़ेंगे, एक अकेले कमरे में रहना पड़ेगा, उबला मतलब तला भुना नहीं खाना हो, मतलब खाने से लेके आपके रहने हर तरीके को कंट्रोल किया जाता था। तो महिलाओं की सिचुएशन आप देख चुके हो, है ना, क्या बुढ़ी नहीं लग रही चलो कोई बात नहीं, मतलब मैंने कहा वो हमारे जमाने की मूवी है, मतलब हमारे जमाने की भी नहीं है, लेकिन वो देखी है मैंने बचपन में, इसलिए मुझे बड़ी मतलब बहुत गहराई से उसमें दिखाया गया है कुछ कुछ चीजें। एनीवे, तो हमने दो चीजें देखी समाज में, और तीसरी सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी जातिगत भेदभाव की समस्या, यानी वर्ण या जाति का निर्धारण वैदिक कर्म कांडों के आधार पर होता था। इस जाति व्यवस्था की सबसे निचली सीढ़ी पर अनुसूचित जाति के लोग थे, जिन्हें समाज में हे दृष्टि से देखा जाता था तथा अछूत माना जाता था। आप किसी इंसान को अछूत मान रहे हो, आपकी सोच कहाँ है फिर? आपको तो डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। यदि आप किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर अछूत मान रहे हो, मतलब तर्क के आधार पर सोचो ना इस बात को, तर्क के आधार पर यह बात जायज ठहर सकती है कहीं पे भी? यानी अस्पृश्यता की कुरूति ने इस वर्ग के लोगों को समाज के अन्य लोगों से पृथक कर दिया। मानव सभ्यता और प्रतिष्ठा पर यह कुरूति एक शर्मनाक धब्बा था, और कहीं ना कहीं आज भी इस तरीके के माइंडसेट के लोग जिंदा हैं, अस्तित्व में हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। आज तक जाति के आधार पर विभेद हमको दिख रहे हैं, यानी समाज सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो गए, देश आजाद हो गया, संविधान आ गया, संविधान में हमने अधिकार दे दिया, आर्टिकल 17 दे दिया, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, ठीक है। उसके बावजूद आप लोगों को विभेद देखने को मिलेगा। एक आईपीएस ऑफिसर को भी अपनी घुड़चड़ी निकालने के लिए पुलिस की व्यवस्था करवानी पड़ जाती है, राजस्थान की घटना सुनी होगी आपने।
तो ये कहीं ना कहीं हमारी जाति व्यवस्था की जो कुरूति है ना आज की डेट में भी उसको शो करती है कि सुधरने वाले हो नहीं आप, लेकिन सुधरना तो आपको पड़ेगा। सुधारेंगे कौन? सुधारेंगे आप लोग, हम लोग जो वास्तव में शिक्षित हैं। याद रखिएगा, यदि आप केवल शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण आपकी शिक्षा नहीं है ना, और आप केवल डिग्री बांट रहे हो ना, तो ये दिमाग में जो जातिवादी सोच है, धर्म के आधार पर विभेद, लैंगिक विभेद कि अरे महिलाओं को तो अधिकार ही नहीं होने चाहिए, इस तरीके की सोच केवल डिग्री वाली शिक्षा से दूर नहीं होगी। आपको गुणवत्तापूर्ण क्वांटिटेटिव एजुकेशन के साथ क्वालिटेटिव एजुकेशन भी आपको देनी पड़ेगी। केवल शिक्षा से काम नहीं चलेगा। तो ये विभेद तो आपको आज भी देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो पहला रीजन आपको समझ में आया, ब्रिटिश शासन का प्रभाव। दूसरा रीजन था सामाजिक दशा और रूढ़िवादी जो व्यवस्थाएं थी उनके कारण सुधार अपेक्षित था, और ये रूढ़िवादी व्यवस्थाएं कहाँ थी, तो धर्म में महिलाओं के साथ और जातिगत जो विभेद होते थे उसके कारण सुधार होना अपेक्षित था या स्वाभाविक था, ठीक है। अब अगला रीजन क्या था, पाश्चात्य संस्कृति का विरोध नहीं होगा, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हम बोल सकते हैं। भारत में उपनिवेशी शासन की स्थापना के पश्चात देश में अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति के प्रसार हेतु सुनियोजित प्रसार किए गए शहरीकरण आधुनिकीकरण ने भी लोगों के विचारों को प्रभावित किया। जब पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा, बड़े स्तर पे आधुनिकीकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, तो उससे भी लोगों के बीच में जो जातिगत बंधन थे या फिर जो ये सामाजिक कुरूतियां थी इनमें सुधार हुआ, ठीक है। तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव देख लिया। प्रबुद्ध भारतीयों में नवीन जागृति, प्रबुद्ध भारतीय मतलब जो बौद्धिक भारतीय, यानी आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति और विदेशी शक्तियों को पराजित करने की चेतना ने जागृति की नई किरण फैलाई। धीरे धीरे ये चेतना जागृत होने लगी कि भारतीय सामाजिक संरचना और संस्कृति में दुर्बलता के कारण भारत जैसा विशाल देश मुट्ठी भर विदेशियों के हाथों में है। मतलब क्या, जैसे जैसे ये है ना, धीरे ये संस्कृति और विदेशी शक्तियों को पराजित करने की चेतना ने कि भाई हम अपनी समाज और संस्कृति के पिछड़ेपन के कारण ना मुट्ठी भर लोगों का शासन हमारे देश के ऊपर चल रहा है, यदि हम अपने समाज में, संस्कृति में, धर्म में सुधार करें, यदि हम तर्कवाद, मानवतावाद, विज्ञानवाद, कथन कारण, कार्य और कारण संबंध इत्यादि को हम समाहित करें, तो हमें किसी दूसरे शासन की जरूरत नहीं होगी, हम खुद आधुनिक हो जाएंगे। यानी प्रबुद्ध भारतीयों में भी नवीन जागृति आई, और इस जागृति के फलस्वरूप भी जैसे आप देखोगे 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के उफान ने भारतीय और भारत की सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक यानी 1850 के बाद मतलब 1890 के बाद अंतिम दशक में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म जैसी भावनाएं पनपी, और इसने सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को प्रभावित करना शुरू कर दिया। राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ, नई आर्थिक शक्तियों का अभ्युदय हुआ, शिक्षा का प्रसार हुआ, आधुनिक पाश्चात्य मूल्यों और संस्कृति का प्रभाव पड़ा, और विश्व समुदाय को सशक्त करने की सोच ने सुधार के मार्ग को और ज्यादा मजबूत कर दिया, और ज्यादा प्रशस्त कर दिया। यानी कहीं ना कहीं जो प्रबुद्ध भारतीयों की नवीन जागृति थी, जिसके चलते हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में सुधार की परिकल्पना पनपी, और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म जैसी जो अवधारणाएं थी उन्होंने और ज्यादा प्रेरित किया, और इसके चलते ओवरऑल आपको सुधार देखने को मिलेंगे। शिक्षा में, पाश्चात्य मूल्यों को अपनाने में राष्ट्रवादी भावना आपको दिखेगी, अर्थव्यवस्था में आपको अलग अलग सुधार दिखेंगे, यानी कि एक ओवरऑल सुधारों की प्रोसेस आपको बड़े स्तर पर देखने को मिलेगी, और सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा। तीन बिल्कुल क्लियर हो गए। उसके बाद विचारधारात्मक आधार में जाऊं, उससे पहले मुझे एक बार ये बता दो, यदि आपसे कोई भी ये पूछे कि भाई ये बताओ ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू क्यों हुए, तो आप बता सकते हो कि देखो भाई, एक तो ब्रिटिश शासन का प्रभाव था, दूसरा हमारे देश में सामाजिक दशाओं और रूढ़िवादिता की धारणाएं इतनी गहरी पनपी थी कि सुधार होना जरूरी था, चाहे धर्म में देखे, चाहे महिलाओं को देखे, चाहे जातिगत विभेद देखे।
पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा और प्रबुद्ध भारतीयों में नवीन जागृति आई। जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जब उसने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण की तो तर्क के आधार पे, विज्ञानवाद के आधार पे, कार्य कारण संबंध के आधार पे, मानवतावाद के आधार पे चीजों को देखना शुरू किया और सुधार होना शुरू हुआ। और यहीं से हम डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, बंधुत्व और इस तरीके की भावनाएं देखने को मिलेंगी हमारी सोसाइटी में। ठीक है, मतलब एक एक सोच मिलेगी कि हाँ, हमको इस डायरेक्शन में बढ़ना है। क्लियर यहां तक? ठीक है, वेरी गुड। अब हम ये देखेंगे सुधार का सामाजिक और विचारधारात्मक आधार क्या था। तो सुधार का यदि आधार देखें, सामाजिक और विचारधारात्मक आधार क्या था, तो सबसे पहले हम देखेंगे मध्यम वर्ग का आधार। यानी भारत में जो सामाजिक धार्मिक परिवर्तन प्रारंभ हुए, जो सामाजिक सोच पनपे की भाई हमें सुधार करना है सामाजिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे, यानी भारत में जो सामाजिक धार्मिक परिवर्तन प्रारंभ हुए, उसका मुख्य सामाजिक आधार उभरता हुआ मध्यम वर्ग व शिक्षित बौद्धिक वर्ग था। कौन सुधार करता है? मान लो आज भी यदि आप समाज में इक्का दुक्का बुराइयां, इक्का दुक्का नहीं, अभी भी काफी सारी बुराइयां हैं। अब हम भारतीय हैं, अब हम हमेशा इस मोह में तो नहीं रह सकते ना कि अरे भारत में तो कोई बुराई नहीं है। ये मोह भी गलत होता है, आपको तर्क के आधार पर सोचना पड़ेगा। आज भी जाति के आधार पर विभेद है, धर्म के आधार पर विभेद है, लैंगिक आधार पर विभेद है, आप घर में जो महिलाएं हैं उनके साथ किस तरीके का विभेद होता है, तो इस तरीके के विभेद आपको हर स्तर पे देखने को मिलेंगे, आज भी मिलेंगे। तो यदि आज भी इस तरीके की बुराइयों में सुधार का दायित्व सौंपा जाए, या सुधार की जो बयार बहेगी वो कहां से बहेगी, कोई बताएगा मुझे? कोई अनपढ़ आदमी सुधार करेगा क्या? पढ़ा लिखा वर्ग सुधार करेगा, क्योंकि पढ़े लिखे वर्ग ने क्या तर्क के आधार पे चीजों को सीखा है। जब आप लोग कल को अपने अपने फील्ड में जाओगे, अपने अपने जब अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, तो आप इक्वल बिहेव करने की सोचोगे अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से, है ना। तो ये धीरे धीरे होती है चीजें, और शुरुआत कहाँ से होती है, तो यही शुरुआत जो शिक्षित मध्यम वर्ग था वहां से बेसिकली इसकी शुरुआत हुई। किंतु पश्चिम में जन्मी तत्कालीन चेतना और बुर्जुआई मूल्यों तथा पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त बुजुर्गवाद रहित सामाजिक मतलब कोई जरूरत नहीं है। यानी जो पश्चिम में आप देखोगे ना, वहां पे बुजुर्गवा वर्ग देखने को मिलेगा आपको। बुजुर्गवा वर्ग का मतलब क्या है? जो धनवान वर्ग है। लेकिन भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग के बीच से आपको चेतना दिखेगी सामाजिक सुधार करने की, धार्मिक सुधार करने की। यानी जो मध्यम वर्ग है वो यदि सशक्त है, शिक्षित है, तो सुधार आपको देखने को मिलेगा। पुनर्जागरण और धर्म सुधार की प्रक्रिया में जिस वर्ग ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह कोई औद्योगिक या व्यापारी वर्ग नहीं था, अपितु वे सरकारी कार्यालय में कार्यरत व्यक्ति, शिक्षक, पत्रकार, वकील, चिकित्सक जैसे लोग थे जिनके हित कहीं ना कहीं एक दूसरे के समान थे। यानी सुधार का सामाजिक और विचारधारात्मक आधार का जो पहला पहलू हमने समझा वो है मध्यम वर्ग का आधार। यानी मध्यम वर्ग जब शिक्षित होगा, पाश्चात्य शिक्षा जब, तर्कपूर्ण शिक्षा जब, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेगा, तो वहां से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत होनी स्वाभाविक सी बात है। और इस मध्यम वर्ग में कौन कौन आएंगे? तो शिक्षक आएंगे, वकील आएंगे, पत्रकार आएंगे, चिकित्सक आएंगे, है ना। तो यहां से आपको बेसिकली सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत दिखेगी। क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जिसमें वाद करने की क्षमता है वही चेंज करेगा। सही बात है, आप भेड़ चाल चले जा रहे हो। जैसे एक मूवी देखी, मतलब ऐसे आजकल एड आती रहती है ना सोशल सामाजिक जागरण के लिए, कि एक छोटा सा बच्चा होता है, वो उसका पिता घरेलू हिंसा करता है, अपनी वाइफ को पीटता है, तो बच्चा भी देखता है, तो बच्चा भी कहता है कि भाई तुम बड़े होके क्या करोगे, तो बच्चा कहता है कि मैं बड़े होके जिस तरीके से आप मम्मी को पीटते हो मैं भी अपनी बीवी को पीटूंगा। तो भेड़ चाल चले जा रहे हो आप, मतलब सोसाइटी में जैसा आप देखते जा रहे हो वैसा करते जा रहे हो, है ना। अब आपके गांव में यदि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति आपके कोई घर आता है और अलग कप में चाय देने की प्रथा है, और यदि आप अड़ोगे नहीं वहां पे, तो ये प्रथा चलती रहेगी।
आपको यदि सुधार करना है तो आपको हर क्षेत्र में अड़ना पड़ेगा, तर्क के आधार पर काटना पड़ेगा कि क्यों दी, उसी कप में चाय क्यों नहीं दी जिस कप में हम पीते हैं, क्या हो जाएगा उस कप में यदि हम चाय दे देंगे तो। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारे जीवन की, लेकिन इन चेंज कहां से होता है, चेंज होता है इन्हीं छोटी छोटी अवधारणाओं से, है ना। जब आप हर छोटी चीज को तर्क के आधार पर जांचने लग जाओगे ना तो चेंज शुरू हो जाएगा सोसाइटी में। तो मूर्खों की तरह बैठे नहीं रहना है, है ना, या भेड़ चाल नहीं चलनी है। पढ़ाई लिखाई का यही फायदा होना चाहिए कि हमें चेंज लाना है भाई सोसाइटी में। वो कैसे लाएंगे, वो अड़ के लाएंगे, वो वाद विवाद करके लाएंगे, है ना, वो सही को सही कह के लाएंगे और गलत को गलत कह के लाएंगे, है ना। तो ये फिर एक अलग बात है। एनीवे, हमने देखा सुधार का सामाजिक और विचारधारात्मक आधार यानी मध्यम वर्ग, दूसरा बौद्धिक कसौटी। यदि देखें बौद्धिक कसौटी वे महत्वपूर्ण आधार जिन्होंने सुधार आंदोलनों को वैचारिक धरातल प्रदान किया, जिसमें धार्मिक सार्वभौमिकतावाद, मानवतावाद और तर्कवाद थे। यदि इन बौद्धिक कसौटियों पे किसी भी बात को रखा जाए और आपके मुंह से कुछ निकले ही ना कि अब तो हम चुप हो गए भाई, आपसे ये पूछा जाए, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया कि आखिर क्यों विभेद किया जाए, मतलब अलग कप में चाय क्यों दी जाए, एक तर्क बता दो मुझे। हाथ से कप मैला हो गया, उस कप को आप पकड़ लोगे तो आप अछूत हो जाओगे, क्या लॉजिक दिख रहा है कहीं से? कोई लॉजिक नहीं है। यानी तर्कवाद, मानवतावाद, सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता मतलब सामाजिक प्रासंगिकता के औचित्य हेतु तर्कवाद को प्रस्तुत किया गया। राजा राम मोहन राय जी का दृढ़ विश्वास था कि सभी धर्मों में विश्वास, एकता में आस्था, निर्गुण ईश्वर की उपासना और जाति प्रथा में अविश्वास ही सर्व प्रमुख कारक है। अक्षय कुमार दत्त ने भी स्पष्ट किया कि तर्कवाद या हेतुवाद ही हमारा प्रमुख अभिप्रेरक तत्व है। यानी हमें तर्कवाद की कसौटी पे ही कसना पड़ेगा हर विषय वस्तु को, तब जाके हम तार्किक हो पाएंगे और तब जाके सामाजिक और धार्मिक सुधार हो पाएंगे। सार्वभौमिकतावाद का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए चीजें हैं, किसी एक व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र नहीं है किसी भी विषय वस्तु के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखना, सामाजिक और विचारधारात्मक आधार में मध्यम वर्ग का आधार आ जाएगा और बौद्धिक कसौटियां आ जाएंगी, और उन बौद्धिक कसौटियों में हमेशा आपको 5-6 पॉइंट याद रखने हैं, जिसमें तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानवतावाद, सार्वभौमिकतावाद जैसी अवधारणाएं हैं। जब इन अवधारणाओं के ऊपर आप समाज की कसौटियों को कसोगे तो जो ठीक होगा वही सही है, यानी जो कसौटी पे कसा जाएगा वही सही होगा। और जिसमें आप मौन रहो, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तो उसमें कमियां हैं और उसमें सुधार की गुंजाइश है। कोई डाउट भाई यहां तक? जैसे मैं अभी बताने वाली हूँ कि ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय जी का जो ब्रह्म समाज था उसका यह मानना था कि कोई भी पुस्तक ना तो ईश्वर है और ना ही देवी देवता है, और कोई भी पुस्तक पूर्णतया त्रुटिहीन नहीं हो सकती, चाहे वह धार्मिक ही क्यों ना हो। अब जैसे कई सारे धर्म पुस्तक को, इसमें कोई एक धर्म की बात नहीं हो रही, अलग अलग धर्मों की बात हो रही है, चाहे आप सिखिज्म की बात कर लो, इस्लाम की बात कर लो, या आप हिंदुइज्म की भी बात कर लो, वेदों को हम पुस्तक मानते, तो किसी एक धर्म की बात नहीं हो रही भाई। लॉजिक क्या कहता है, कोई भी पुस्तक अपने आप में संपूर्ण हो सकती है क्या, या कोई भी पुस्तक ईश्वर हो सकती है क्या, देवी देवता हो सकती है क्या? ये ब्रह्म समाज का कहना था कि कोई भी पुस्तक अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ना ही वो ईश्वर है और ना ही वो त्रुटिहीन है। और अगर हम ये मान लें कि ठीक है एक समय पे वो त्रुटिहीन है, तो समय काल परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन होना भी अपेक्षित है भाई। समय काल परिस्थिति के अनुसार जब परिवर्तन होगा किसी भी विषय वस्तु में, तभी तो वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ढल पाएगी। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार उसमें चेंज होना भी अनिवार्य है, यानी त्रुटिहीन नहीं है, चाहे वो धार्मिक पुस्तक ही क्यों ना हो। तर्क की बात है कि नहीं है, ब्रह्म समाज ने ये बात बड़े जोरों शोरों से उठाई। अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान ने भी जोर दिया कि इस्लामिक शिक्षाओं की व्याख्या वर्तमान युग के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए, यानी इस्लामी जो शिक्षाएं हैं वर्तमान युग के अनुसार उनका अनुवाद होना चाहिए, एक समय के अकॉर्डिंग ही, आज से कितने सौ साल पहले कि एक बात को यदि आज की वर्तमान परिस्थितियों में भी आप लागू करते हो तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ोगे समाज की मुख्य धारा में, जो कि फैक्ट है।
मतलब अलीगढ़ आंदोलन में भी इस बात पे जोर दिया गया। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम धर्म की कुरीतियों पर कड़े प्रहार किए तथा तत्कालीन परिस्थितियों में अप्रासंगिक बताया। सर सैयद अहमद खान, हालांकि यदि हम देखो तो पैट्रियोटिक जो इनकी पुस्तक थी उसमें ये राजभक्त बन गए, अंग्रेजों के साथ हो लिए, लेकिन यदि सामाजिक स्तर पे इनके योगदान की बात करें ना, तो सामाजिक स्तर पे बुद्धिवाद के आधार पे इन्होंने, तर्क के आधार पे इन्होंने काफी तरीके के कमियों की गुंजाइश, काफी सारे सुधारों की गुंजाइश बताई इस्लामिक समाज में। और स्वामी विवेकानंद की यदि बात करें तो धार्मिक विचार अत्यधिक प्रगतिशील और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप दिखते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ब्रह्म समाज बता दिया, डिटेल में आप लोगों को जब मैं पूरा बताऊंगी ना राजा राम मोहन राय वाली जो क्लासेस और अलग अलग थिंकर वाली क्लासेस चलेंगी उसमें, यहाँ पे मोटा मोटा देखना है कि भाई ये बौद्धिक कसौटियां हमको ब्रह्म समाज में देखने को मिली, जहां पे उन्होंने पुस्तक को, जहां पे उन्होंने बहुदेववाद को नकारा, सती प्रथा को नकारा, एकता को नकारा, है ना, सॉरी एकता में विश्वास की बात की, तो ये हमने ब्रह्म समाज देखा। उसके बाद हमने अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान का योगदान देखा, जिसमें उन्होंने इस्लामिक जो कमियां हैं, जो समाज की कमियां हैं, उसमें सुधार की गुंजाइश बताई, है ना। और साथ ही स्वामी विवेकानंद जी की अभी हम बात कर रहे हैं कि अत्यधिक प्रगतिशील विचार इनके दिखते हैं। उन्होंने भारतीय दर्शन और उसकी श्रेष्ठ परंपरा को सर्वोपरि घोषित किया। इसी समय विभिन्न वैज्ञानिक अन्वेषण और वैज्ञानिक तर्कों को भी चिंतकों ने अपनी अवधारणाओं के माध्यम से पुष्ट किया, जैसे अक्षय कुमार दत्त ने चिकित्सीय तर्कों द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया। मतलब यहाँ पे आपको एक साथ कई सारी चीजें दिखेंगी, आपको ब्रह्म समाज दिख रहा है, आपको सर सैयद अहमद खान दिख रहे हैं, अलीगढ़ आंदोलन दिख रहा है, आपको दयानंद सरस्वती दिखेंगे, विवेकानंद दिखेंगे, और साथ ही आपको ऐसे व्यक्ति भी दिखेंगे जो तर्क के आधार पर इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो। जैसे अक्षय कुमार दत्त ने चिकित्सीय तर्कों के द्वारा यह सिद्ध किया कि बाल विवाह करना हानिकारक है एक महिला के लिए, पूरी तरीके से हानिकारक है, चिकित्सीय तर्कों के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया। तो जब आप कोई तर्क के आधार पर कोई बात करते हो तो सामने वाला भी समझता है ना कि हाँ भाई ये तो गलत है। राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म के अतिरिक्त ईसाई धर्म को भी अनेक गलत रीति रिवाजों को सार्वजनिक किया कि केवल आप जो बोल रहे हो ना ईसाई धर्म तो सार्वभौमिक है और इसमें तो कोई कमी ही नहीं है और ये तो बिल्कुल संपूर्ण है। तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि संपूर्ण कुछ नहीं है, त्रुटि विहीन कुछ नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार हर विषय वस्तु में परिवर्तन होना लाजमी सी बात है, होना ही चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ ईसाई धर्म में भी जो गलत रीति रिवाज थे उनको सार्वजनिक किया। उनका विश्वास था कि मूलतः सभी धर्म एक ही शिक्षा देते हैं, सभी धर्मों का की मौलिक एकता पर बल दिया और एकेश्वरवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। राजा राम मोहन राय जी को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि वहां से पीटी में बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन बनते हैं राजा राम मोहन राय जी के थॉट प्रोसेस के ऊपर। एकेश्वरवाद पे बल देंगे और कहेंगे सभी धर्मों का मूल सार एक ही है तो अलग अलग काहे भटक रहे हो, या बहुदेववाद को किस तरीके से आप खंडित कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बौद्धिक कसौटी के आधार पे हमने काफी सारी विचारधाराओं को देखा, काफी सारे विचारकों को देखा, जिसमें राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की मैंने बात की, अलीगढ़ आंदोलन की मैंने बात की, स्वामी विवेकानंद की बात की जो कि भारत के दर्शन को, श्रेष्ठ परंपरा को सर्वोपरि बताते हैं, है ना। और साथ ही आपको लॉजिकल आधार पे कटाक्ष होते दिखेंगे सामाजिक रूढ़ियों पे, जैसे अक्षय कुमार दत्त ने चिकित्सीय आधार पे बताया कि बाल विवाह गलत है और बाकी आप लोगों ने देख लिया। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? बताओ फटाफट, हमें भी बता दो भाई कुछ, हमसे भी बातें कर लो। बाप रे बाप, बतियाने आते हो हैं, पूछ रही हूं तो जवाब दे दो। वैसे भी मैं डिस्टर्ब कहां कर रही हूं आप? फिर मैं बोलती हूँ, अंधेरे में मत रह जाना, सुंदर से नाम के पीछे रामफल ना निकल जाए रामलाल ना निकल जाए, तो दुर्घटना ना हो जाए कुछ, ठीक है। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सुधार आंदोलनों की दो धाराएं, इनको डिटेल से, जैसे आप देखोगे कि एक तो आपको ऐसे आंदोलन दिखेंगे सुधारवादी आंदोलन जो सुधार करवा रहे हैं, जैसे ब्रह्म समाज दिखेगा, ब्रह्म समाज
डिटेल से आपको मैं बताऊंगी पूरा। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि ब्रह्म समाज अलग अलग मुद्दों में सुधार की बात कर रहा है। प्रार्थना समाज दिखेगा, अलीगढ़ आंदोलन, आर्य समाज और देवबंद जैसे पुनर्जागरणवादी आंदोलन दिखेंगे, जो अतीत को उठा के, यानी अतीत की जो पुस्तकें हैं उनके आधार पर सुधार करवाने की बात करेंगे, है ना, कि भाई वेदों में तो विभेद नहीं था महिलाओं के साथ, तो अभी भी नहीं होना चाहिए। तो लोग कहेंगे कि हाँ भाई, हम तो हिंदू हैं, हम तो धार्मिक हैं, सही बात है, वेदों में तो विभेद नहीं है, तो हमें तो अभी भी नहीं करना चाहिए, वेदों में तो बाल विवाह नहीं था, तो हमको अभी भी बाल विवाह नहीं करना। तो इस तरीके की अवधारणा, यानी दोहरा दिखेगा, एक तो सुधारवादी आंदोलन दिखेंगे जो तर्क के आधार पर सीधा सुधार की बात कर रहे हैं, कुछ पुनर्जागरणवादी आंदोलन दिखेंगे, यानी फिर से जागने की अवधारणा, यानी कोई भी सुधार कर रहे हैं तो उसके पीछे का आधार पुस्तकों को रख रहे हैं। जैसे आप यदि दयानंद सरस्वती यानी आर्य समाज की बात करें तो वो वेदों को आधार मानते हैं, वेदों की ओर लौटने की बात करते हैं, है ना। सुधारवादी और पुनर्जागरणवादी आंदोलन के बीच केवल यही अंतर था कि वो किस सीमा तक परंपरा या तर्क चेतना पर निर्भर है। जैसे जो सुधारवादी आंदोलन होंगे ना, वो तर्क पे आधारित होंगे, वो किसी तर्क के पीछे फिर वो किसी का आधार नहीं देंगे कि भाई देखो इस पुस्तक में ये लिखा है, इसलिए वो तर्क देंगे कि देखो भाई ये गलत है, सती प्रथा गलत है तो गलत है, फिर उसके लिए किसी आधार देने की जरूरत ही नहीं है। मतलब दोहरे स्तर के आंदोलन आपको यहाँ पे दिखते हैं, एक सुधारवादी एक पुनर्जागरणवादी। 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन केवल धर्म तक ही सीमित नहीं रहे, अपितु इनका धर्म से ज्यादा प्रभाव सामाजिक क्षेत्र पे पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, यानी जो भी सुधार आंदोलन आपको दिखते हैं ना 19वीं सदी के, ये केवल धर्म तक ही इनका सीमित आधार नहीं रहा, बल्कि धर्म से आगे इनका जो ज्यादा से ज्यादा प्रभाव आपको दिखेगा वो सामाजिक क्षेत्र पे दिखेगा। भारतीय समाज में कई ऐसी मान्यताएं व प्रथाएं विद्यमान थी जिनका आधार अंधविश्वास और अज्ञान था। इनमें कई प्रथाएं अत्यंत क्रूर और अमानवीय थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे सती प्रथा जैसी विवाह प्रथा है, बाल विवाह है, बाल हत्या इत्यादि। समाज में अशिक्षा और घोर अंधविश्वास था। मैं उस समय में ले गई आपको, एक बार आप उस समय में जाओ, एज्यूम करो कि ऐसा समाज है जहां पे बाल विवाह है, बहु विवाह है, बाल हत्या है, सती प्रथा है, विधवा विधवाओं के साथ बहुत ही ज्यादा नरक जैसा जीवन है, जाति प्रथा है, मतलब जाति के आधार पे भयंकर विभेद आपको देखने को मिलेंगे, धार्मिक आडंबर है। तो ये सारी सिचुएशन थी, पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा अन्याय और असमानता पर आधारित था। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत का सामाजिक स्वरूप अपरिवर्तनशील व स्थिर था। यदि आप ब्रिटिश शासन से पहले के सामाजिक जीवन को देखोगे तो अपरिवर्तनशील दिखेगा। अपरिवर्तनशील का मतलब क्या है, गाना सुना होगा ना, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब गाना तो बड़ा अच्छा है ना, और बड़े टशन से चीजें हैं कि हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, क्यों रहोगे वैसे ही। अरे भाई साहब, समय बदल रहा है, स्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, तो जैसे आप थे वैसे मत रहो, आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। यानी अपरिवर्तनशील था समाज, स्थिर था, गूढ़ था, जैसा था वैसा ही बना हुआ है, ठीक है। गांव आत्मनिर्भर थे और संकुचित दायरे में सिमटे हुए थे, वही व्यवस्थाएं चल रही थी, वही भेदभाव, वही अन्याय, वही क्रूर प्रथाएं। ब्रिटिश राज की स्थापना के पश्चात पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, जिससे नव जागृति आई, और खासकर मध्यम वर्ग या जो शिक्षित भारतीय वर्ग था, उसने जब नई नई चीजें पढ़ी कि अरे ये तो सही है यार, तर्कवाद बिल्कुल सही है, विज्ञानवाद सही है, मानवतावाद सही है, हम व्यक्ति व्यक्ति में विभेद किस काहे करें। मैं आपको जब जाति प्रथा पढ़ाती भी हूँ सोसाइटी में, हम अलग से पढ़ेंगे, एक बात बताओ, आप किसी तथाकथित कोई उच्च या नीच जाति नहीं होती है, पहले ही बता दो, मेरे अकॉर्डिंग सब व्यक्ति समान है और आपके अकॉर्डिंग भी वही होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बात, एक एज्यूम करो, तथाकथित यदि आप उच्च जाति में पैदा हो गए, इसमें आपका क्या योगदान है, मूछों को काहे ताव देते हो, आपका तो रत्ती भर योगदान है ना, तुक्का लग गया बस, आ गए उस जाति में, थोड़ा सा तुक्का गड़बड़ाया होता तो उधर चले जाते। यानी जिस बात में आपका कोई योगदान नहीं है, उस बात को लेके आप किसी व्यक्ति को इतना अछूत मान लेते हो कि उसका उसके छूने से आप मैले हो जाओगे, यही तो है तर्क, समझे मेरी बात को। तो वही है कि पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता
शिक्षा का जैसे जैसे प्रसार होगा, आधुनिक शिक्षा का जैसे जैसे प्रसार होगा, वैसे वैसे नव जागृति आएगी। इसके पश्चात जो चिंतनशील और बुद्धिजीवी भारतीयों ने समाज की कुरीतियों और त्रुटियों को सार्वजनिक किया और उन्हें दूर करने का प्रयास किया, जितनी भी कुरीतियां थी एक एक करके उन पे बात होगी, उन पे प्रहार होगा, उनमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा, और वो हुआ। वे पश्चिमी मानवतावाद, तर्कवाद, राष्ट्रवाद और विज्ञानवाद से गहरे तौर पे प्रभावित हुए। इन बुद्धिजीवियों ने पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन किया, भारतीय समाज की कमियों को इंगित किया और उन कमियों में सुधार करने के प्रयास किए। और ये सुधार किन आधारों पे किए? तो ये सुधार मानवतावाद, ये रट गई होंगी ये चीजें, मानवतावाद, तर्कवाद, विज्ञानवाद और राष्ट्रवाद जैसी अवधारणाओं के चलते ये जो भी कमियां थी उन कमियों को इंगित किया, उनको चिन्हित किया और उन कमियों में सुधार करने का प्रयास किया। तो मुझे ये बता दो, ये जो हम पढ़ रहे थे भाई, सुधार का सामाजिक और विचारधारात्मक आधार यानी मध्यम वर्ग का आधार, बौद्धिक कसौटी देखा, बौद्धिक कसौटी में हमने बहुत सारी विचारधाराएं देखी, सुधार आंदोलनों की धारणाएं देखी भाई, सुधारवादी आंदोलन है, पुनर्जागरणवादी आंदोलन है, किस तरीके का समाज था, है ना, और किस तरीके के समाज में किस किस तरीके की प्रथाएं थी, अन्याय असमानताएं विद्यमान थी, और किस तरीके से समाज अपरिवर्तनशील और स्थिर था, और जैसे ही ब्रिटिश शासन में पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा का प्रसार हुआ, आधुनिक शिक्षा आई और भारतीय समाज की कमियों को इंगित किया गया और उसमें सुधार करने का प्रयास किया गया। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? ये सुधार आंदोलन की हमने बेसिकली ये सामाजिक सुधार की दिशा हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दिशा आगे बढ़ती है सामाजिक सुधार आंदोलन। क्या बोल रहे हो, क्या चल गया भाई? गूगा कहाँ थे भाई, हैं? कितने दिन बाद मुझे दिख रहे हो गूगा प्रसाद, बहुत पुराना स्टूडेंट है मेरा। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो डॉक्टर मंजीत? अरे पॉलिटिकल पार्टी का नाम लो, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी की नहीं होती है, ध्यान रखना, सब सत्ता के नशे में चूर रहते हैं, सबको कुर्सी चाहिए, कुर्सी बहुत प्यारी होती है। इतिहास नहीं पढ़ा है, एंशियंट हिस्ट्री से लेके मेडिवल कोई भी उठा लो, सत्ता के लिए जब अपने सगों को मारने की परिकल्पनाएं जिंदा होती हैं तो फिर हम तो आम नागरिक हैं, है ना। तो और कोई भी दूध का धुला नहीं है, कोई भी दूध का धुला नहीं है, इसलिए इन सब बातों पे बात नहीं करेंगे, एग्जाम में लिखनी नहीं है ये बातें, तो काहे उलझे हम, एग्जाम पास करना है ना, बात खत्म, ठीक है। ऐप पे क्लास है 12:30 बजे, ध्यान रखना ऐप पे 12:30 बजे क्लास होगी मनीषा आज, ठीक है बच्चे। आज से मैंने ना आधा आधा घंटा बढ़ा लिया किसी कारण से। सामाजिक सुधार की दिशा में एक बार फटाफट देख लेते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्त्रियों की दशा में सुधार के प्रयास किए गए तो क्या क्या प्रयास होंगे? तो जो जो बुराइयां हैं, बुराइयां हमने सारी देख ली, उन बुराइयों में सुधार के प्रयास होंगे। जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी डिटेल से मैं बता चुकी हूँ। समाज सुधारकों ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, जैसे समाज में स्त्रियों की अपनी कोई पहचान नहीं थी, उनकी ऊर्जा और योग्यता, पर्दा प्रथा बड़े स्तर पे आप देखोगे, पर्दा प्रथा आज भी जिंदा है, पर्दा प्रथा केवल मुस्लिम समाज में ही नहीं है कि आपको बुर्का दिख गया तो ठीक है मुस्लिम समाज में है, लेकिन हिंदू समाज में भी आपको पर्दा प्रथा बड़े स्तर पे दिखेगी। आप यदि ग्रामीण समाज में देखोगे तो पर्दा आपको आज भी, काहे पर्दा रखना भाई, मतलब हम हर चीज के तर्क के आधार पे सोचो ना, महिलाएं काहे पर्दा रखें? अब कहेंगे कि जमाना खराब है, तो जो जमाना खराब है वो अपनी आंखें फुड़वाए ना, अब उस जमाने के खराब होने की सजा महिला काहे भुगते, तर्क तो ये कहता है। तो पर्दा प्रथा गलत है, यानी जो महिलाएं थी उनकी ऊर्जा योग्यता एक तरीके से बहुत सारी कुरुतियों में जकड़ी हुई थी, मतलब कोई उनकी पहचान नहीं थी, पर्दा प्रथा देखने को मिलेगी, सती प्रथा, बाल विवाह, बाल कन्या वध, है ना, और विधवा पुनर्विवाह की कोई आजादी नहीं, और भी बहुत सारी कुरुतियां आपको महिलाओं के आसपास देखने को मिलेंगी। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही समाज की महिलाएं आर्थिक और सामाजिक तौर पे पुरुषों पे आश्रित थी। याद रखना, जब जब महिलाएं पुरुषों पे आश्रित होंगी, महिलाओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार बढ़ेगा। जैसे जैसे महिलाएं डिपेंडेंट होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, स्वतंत्र होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, अपने हक के लिए लड़ेंगी,
तो इसलिए महिलाओं का पढ़ा लिखा होना और सशक्त होना, आत्मनिर्भर होना महिलाओं के सशक्तिकरण का पहला आधार होता है। हम रट लगाए जाए महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण जब तक नहीं हो सकता है जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं है, सशक्त नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। अब यहाँ पे पूरी तरीके से पुरुषों पर आश्रित थी। अब कितनी भी घरेलू हिंसा कर लो, स्त्री जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, तो वो सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। शिक्षा ग्रहण करने की मनाही थी, शिक्षा उनको दी नहीं जाती थी, हिंदू स्त्रियों को संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था तथा विवाह में उनकी कोई सहमति नहीं ली जाती थी, जितने मर्जी विवाह कर दिया। आज भी आप बड़े स्तर पे देखते होंगे यार, विवाह बहुत क्रिटिकल डिसीजन होता है ना, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है ना विवाह करना। आप कहोगे कि मैम फेवरेट मुद्दा उठा दिया आपने हमारा, मतलब लॉजिकल सोचो ना, एक व्यक्ति कब हो रहा है विवाह, 18 साल से ऊपर की लड़की का विवाह हो रहा है और 21 साल के लड़के का विवाह हो रहा है। अब एक व्यक्ति को अपना पूरा जीवन किसी के साथ व्यतीत करना है, जीना है, और ये स्वतंत्रता उसकी नहीं है, तो लॉजिक तो इसकी भी मनाही करता है अब लेकिन आज भी आप, मतलब आज भी आप यदि पूरे भारत भर में देखेंगे और खासकर ग्रामीण सोसाइटी में देखेंगे तो वहां पे लड़का ढूंढा जाता है, लड़की ढूंढी जाती है। ठीक है, ढूंढो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपको पता ही नहीं है आपकी शादी किसके साथ हो रही है, उसके विचार क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, है ना। जीना तो आपको है जीवन, तो यानी विवाह की कोई स्वतंत्रता, मतलब विवाह में उनकी कोई सहमति नहीं होती थी, तो ये भी तो गलत बात है। आज भी गलत हो रहा है ये, मतलब जो भी हो रहा है, मेरा लॉजिक ये कहता है कि आपको जिसके साथ विवाह करना है कम से कम उसको जान लो, भले ही आप अरेंज मैरिज करो, लव मैरिज ही जरूरी नहीं है, लेकिन उसको जानना, उसके थॉट प्रोसेस को समझना जरूरी है ना, लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन वहां पे क्या होता था, कोई सहमति नहीं, पता लगे 40 साल के पुरुष के साथ आपका विवाह कर दिया। मैं इस समय की बात कर रही हूँ, आज ऐसा नहीं होता है, माँ बाप ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यदि मुस्लिम स्त्रियों को थोड़ा बहुत संपत्ति का अधिकार था किंतु उन्हें पुरुषों के तुलना में आधी संपत्ति ही दी जाती थी, यानी कि महिलाओं की सिचुएशन को, अरे लव मैरिज ही नहीं बोल रही हूँ भाई, मतलब ये बोल रही हूँ कि आप अरेंज मैरिज भी कर रहे हो तो कम से कम बातचीत करने का अवसर दो, समझने का, सोच को जानने का अवसर दो। यदि सोच नहीं मिल रही है तो फिर दूसरा बकरा ढूंढा जाए, दूसरा क्योंकि बहुत जरूरी है ना, आपको एडजस्ट करना है ना पूरी लाइफ। तो इसीलिए मैं प्रेरित नहीं कर रही हूँ कि लव मैरिज ही करो, बिल्कुल प्रेरित नहीं कर रही हूँ, अरेंज मैरिज करो, माँ बाप की मर्जी से करो, लेकिन जान के, सोच के, परख के, भावनाओं में बह के नहीं। महिला हो तो महिलाओं का अधिकार भी तो होना चाहिए भाई, अब ऐसा थोड़ी ना है मतलब जो कह दिया वही है, हम तो गऊ है, काहे गऊ है भाई। यही तो महिलाओं के दिमाग में ये जो सोच वो कर दी गई है ना कि वही महिला अच्छी है, वही लड़की अच्छी है जो माँ बाप के कहे के अनुसार चलेगी, यानी महिला का अपना कोई जीवन नहीं है क्या, तो फिर वो लड़का क्यों नहीं अच्छा है जो, और लड़का वो अच्छा है जो अपनी स्वतंत्रता से, अपने विचारों से काम करे, यहीं से भेदभाव नहीं दिखता आपको। तो भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी है सोसाइटी के अंदर। लड़का वो अच्छा जो अपने विचारों से, अपने दिमाग से डिसीजन ले, लड़की वो अच्छी जो माँ बाप के कहने पे डिसीजन ले। काहे भाई, हम भी तो पुरुषों के समान है ना, तो लड़कियों को भी तो डिसीजन लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लॉजिक तो यही कहता है, बाकी सोसाइटी कहीं पे भी जाए। एनीवे, तो स्त्रियों की दशा में सुधार के प्रयास किए गए, और जब दशा की बात करेंगे ना तो हम विभेद देखेंगे कहाँ कहाँ। भाई संपत्ति का अधिकार नहीं है, शिक्षा नहीं है, आप ऊपर से आत्मनिर्भरता नहीं, और ऊपर से इतनी सारी कुरुतियां हैं, कन्यावध है, पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, बहु विवाह है, सती प्रथा है, तो इतनी सारी विवशताएं आपको देखने को मिलेंगी। तलाक में पुरुष और महिला में बहुत ज्यादा भेदभाव है। यदि आप मुस्लिम समाज की ही बात करें, तीन तलाक के बाद की मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बोल रहे हैं ना मुस्लिम स्त्रियों को हालांकि संपत्ति का थोड़ा बहुत अधिकार था, हिंदू स्त्रियों को तो वो भी नहीं था। और यदि मुस्लिम स्त्रियों की बात करें तो तलाक के मामले में महिलाओं और पुरुषों में बहुत बड़े स्तर पे विभेद है। बहुपत्नी प्रथा यदि हिंदू समाज की भी बात करें या मुस्लिम, दोनों समाजों में बहुपत्नी प्रथा आपको दिखती है। उस समय में एक साथ चार चार शादियां कर रहा है बंदा, मतलब गजब हो रहा है, पुरुष हो तो कुछ भी करोगे। तो यहाँ थोड़ा महिला वाद जगता है। फिर पत्नी और मातृत्व दो ही ऐसे अधिकार थे जहां महिलाओं को समाज में थोड़ी बहुत मान्यता थी। सभी समाज सुधारकों ने महिलाओं की दशा सुधारने हेतु अपना ध्यान केंद्रित किया और अपील किया कि महिलाओं को समाज में उनका दर्जा प्रदान किया जाए।
समाज सुधारकों ने घोषित किया कि ऐसा कोई समाज सभ्य और विकसित नहीं हो सकता जहां महिलाओं से भेदभाव किया जाएगा और उनकी स्थिति दोयम दर्जे की होगी। यानी अपने मूल में समाज सुधारकों ने महिला सुधार की भावनाओं को भी रखा। क्या चल रहा है? अंकित कह रहा है चार शादियां, हंस रहा है, कह रहे हैं यहाँ एक भी नहीं हो पा रही है, पढ़ लो वरना नहीं हो पाएगी। ठीक है, हो जाएगी, टेंशन ना लो, आईएएस बन जाओगे, समझे मेरी बात को। तो बड़े स्तर पे आपको देखने को मिलेगा, यानी समाज सुधार की दिशा में हमने देखा कि किस तरीके से समाज में क्या क्या मान्यताएं थी, कैसे ये अपरिवर्तनशील और स्थिर समाज था, कैसे नव जागृति आई, कैसे कैसे ये विचारधाराएं पनपी। पहली बात हम देखते हैं स्त्रियों की दशा में सुधार के प्रयास हुए। जब हम स्त्रियों में दशा के सुधार के प्रयास देखते हैं तो हम पहले देखेंगे कि क्या क्या कमियां थी, है ना। ये सारी कमियां ऐसे होनी चाहिए टिप्स पे, आपसे पूछा जाए क्या कमी महिला के जीवन में क्या कमी थी, तो आप तुरंत बताओगे कि भाई शिक्षा नहीं है, संपत्ति नहीं है। शिक्षा संपत्ति तो बाद की बात, सबसे पहले तो जन्म पे ही मार दिया, बच गई तो बाल विवाह कर दिया, बाल विवाह किया तो पति की मृत्यु हो गई, तो विधवाओं का जीवन नरक के तुल्य है। सती प्रथा है, सती प्रथा में भी बच गई तो जीवन नरक के तुल्य है। कोई शिक्षा का अधिकार नहीं है, कोई संपत्ति का अधिकार नहीं है। यदि हम देखें तो बहुविवाह की प्रथाएं हैं, तो इस तरीके से स्त्रियों का जीवन बहुत ही ज्यादा नरक तुल्य था। और जब समाज सुधार आंदोलन की चेतना पनपी तो समाज सुधारकों ने जोर दिया कि महिलाओं के साथ यदि समाज में भेदभाव किया जाएगा तो वो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी महिलाओं की दशा में सुधार करने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए गए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन यहां तक? फिर मैं आप लोगों को कल की क्लास में बताऊंगी जैसे महिलाओं की दशा में क्या क्या कदम उठाए, तो सती प्रथा, शिशु वध को लेके, विधवा पुनर्विवाह, अलग अलग थिंकर ने, अलग अलग व्यक्ति ने क्या क्या काम किया, बाल विवाह पर नियंत्रण, स्त्री शिक्षा, तो ये सारी चीजें, महिला संगठन, ठीक है, जाति आधारित शोषण के विरुद्ध संघर्ष चला, जाति भेदभाव को करने कम करने में सहायक कारक क्या सिद्ध हुए, समाज को विभाजित करने के प्रयास में लगी शक्तियों के विरुद्ध स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों से राष्ट्रीय आंदोलन ने प्रेरणा ली। तो इस तरीके से सुधार आंदोलन को प्रेरित करने वाले कारक, कल ये वाला टॉपिक खत्म करके हम जो दूसरा टॉपिक है ना समाज सुधार आंदोलन का, जिसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिर ये तो देखो किसी भी तरीके को जब समझ के पढ़ना है ना, उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय जी ने क्या योगदान दिया, ब्रह्म समाज का क्या योगदान था, प्रार्थना समाज क्या है, सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन क्या है, देवबंद आंदोलन क्या है, दयानंद सरस्वती का क्या योगदान है, विवेकानंद जी का क्या योगदान है। तो फिर जब कल के लेक्चर के बाद हम उस वाले लेक्चर में एंट्री कर जाएंगे। होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, है ना, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे सेशन को, क्लास के बाद कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब करवा दे, और एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी, एक नया मैंने मतलब अभी आया तुरंत दिमाग में आइडिया, मुझे पता तो लगे सुनते हो ध्यान से। इसके अलावा ललिता दहिया अकेडमी ऐप को फटाफट इंस्टॉल कर लीजिए, दो बहुत ही शानदार कोर्स चल रहे हैं, रिकॉर्डेड लाइव दोनों तरीके की वीडियोस मिल जाएंगी। पॉलिटी का बैच चल रहा है मात्र 2100 रुपए में, आईआर का बैच चल रहा है मात्र 1625 रुपए में, कंप्लीट आईआर कंप्लीट पॉलिटी। हिस्ट्री ऑप्शन यदि आप लोगों को पढ़ना है तो हिस्ट्री ऑप्शन का बैच है मात्र 8000 रुपए में। होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दो। ठीक है यश, मिल जाएगा बच्चे, अभी मिल जाएगा, यश आपका मैसेज देख लिया। कोई और क्वेश्चन है यहाँ मत बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में बताना। संस्कृति नहीं, संस्कृति ने नहीं बताया, किसने बताया था, सिमरन, क्लास में बताना। मैम मेरा क्विज है आदर्श भाई की यार सीरियसली मत लिया करो, पता है जीवन को ज्यादा सीरियस बनाओगे ना तो कुछ हासिल नहीं होगा। हंसते खेलते पढ़ो ना यार, हंसते खेलते पढ़ो, पॉजिटिव रह के पढ़ो। जितना तनाव में रहोगे ना उतना टेंशन बढ़ेगी, उतना तनाव बढ़ेगा, है ना, उतना दबाव रहेगा दिमाग। कूल, चिल चिल, ठीक है। तो जय हिंद।